यहाँ पे जब मैं कॉन्ज़ूमे बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चिकन बोन्स लिए हैं, उसको पहले मैंने पानी में डाल के ब्लांच किया था कि एक्सेस डर्ट और मैल और फैट निकल जाए। ये प्रोसेस से आपका स्टॉक क्लीन एंड क्लियर बनता है। एक्सेस डर्ट रिमूव होने की वजह से आपके स्टॉक में फैट कंपोजिशन कम होता है एंड यू गेट अ बेटर स्टॉक एंड लेस क्लाउडी। यहाँ पे मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जिसको मिरपोआ कहा जाता है, विद सम फ्लेवरिंग्स जैसे बे लीफ, थाइम, गार्लिक, सेलरी एंड लीक्स और सेलरी, अनियंस एंड कैरेट। ये सारे जो कटिंग हो रखे हैं दे आर रफली कट। यूजुअली द ट्रिमिंग्स ऑफ वेजिटेबल जब आप कुछ करते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेटिंग अप द स्टॉक इज इट नीड टू बी क्लीन एंड लेस क्लाउडी एंड फ्लेवरफुल। व्हेनेवर वी आर मेकिंग सच स्टॉक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द रेशियो बोन्स वेजिटेबल रेशियो एंड द वाटर। सो रेशियो इसका जो रहता है वो रहता है 50% बोन्स का वेट। मतलब अगर 2 kg या 2 liter स्टॉक हम बनाते हैं तो 1 kg बोन्स लिया जाता है। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ इसको कहा जाता है राफ्ट। ये चिकन मिंस में मिरपोआ डाल के बनाया जाता है और फ्रेंच में मिरपोआ का मतलब होता है रफली कट अनियन, कैरेट, सेलरी, जो बेस होता है स्टॉक्स के। यहाँ पे मैंने पैन को बढ़िया से साफ़ किया है, वी जस्ट क्लीन इट आउट। नाउ आई विल टेक द चिकन स्टॉक, जो पहले हमने चिकन स्टॉक बनाया था ना, मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया है, बोन्स आउट कर दिए हैं और अभी मैंने इसमें राफ्ट डाला है पैन में और इसमें मैं मिला दूंगा चिल्ड चिकन स्टॉक। सो ये चिकन स्टॉक जब हम मिलाएंगे इसमें, इसका टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, इट शुड बी चिल्ड। बोथ योर राफ्ट एंड द चिकन स्टॉक बोथ नीड टू बी कोल्ड और चिल्ड। याद रखना है कि गर्म स्टॉक पे अगर हम मिंस चिकन का जो मिक्सचर, जो राफ्ट का मिक्सचर हम मिलाएंगे, अगर गर्म स्टॉक है तो इट विल स्टार्ट कोएगुलेटिंग इमीडिएटली। ओके, द कोएगुलेशन इज अ स्टेज वेयर द प्रोटीन स्टार्ट्स हार्डनिंग। अब मैंने इसमें एक ब्राउन अनियन जो दिखा रहा हूँ वो मैंने डाला। ये जो ब्राउन अनियन मैंने डाला इसी से ही आपके कंज़ोमे में कलर आएगा, द कलर विल कम आउट ऑफ दिस ब्राउन अनियन। सो कंज़ोमे एज आई सेड अर्लियर इट्स अ क्लीन क्लियर चिकन सूप which can be treated as a bouillon also, which is prepared out of a bouillon also. So aspect has to be maintained. So slowly what we are seeing here is how the chicken stock, the raft is forming. मैं close-up से दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये जो stage है यहाँ पर देख रहे हैं side से raft has started leaving. जो side से दिख रहा है यहाँ से raft छूटना चालू हो गया है. So once the raft form होना चालू होता है, हम बीच में क्या करेंगे, एक हल्का सा वी विल डू इंसिजन एट द सेंटर सो दैट द इम्प्योरिटीज विच द राफ्ट इज पुलिंग। राफ्ट में हमने क्या क्या डाला था, हमने डाला था मिंस चिकन, एग वाइट और अनियन, कैरेट, सेलरी का मिरपोआ, ओके, थोड़े हर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ थाइम, बे लीफ एंड ब्लैक पेपर कॉर्न। सो वॉन्स द राफ्ट स्टार्ट्स पुलिंग अप द इम्प्योरिटीज, यू सीइंग दिस, इट्स नाउ क्लीन। तो हम बीच सेंटर पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये देखो, this has the chicken stock or the consomme is clean now. So let's do the plating. We are doing here consomme julienne. So consomme julienne, consommes are known with the kind of garnish we use. So humne yahan pe onion, celery, carrot and leeks ka julienne liya hai and I'm showing you this, the consomme here close by. So this consomme I will slowly strain it. You seeing the clear? So this consomme we will be straining it with muslin cloth. Okay, this consomme will be straining with a muslin cloth. So here I am straining it in a double layer muslin cloth I am using to strain the consomme. It's a beautiful amber gold color, which is ideally the color that goes for consomme. The julienne, the garnish is ready that we are serving. Here I am pouring the consomme onto the plate.
That's your chicken consomme, julienne. Hope you enjoy the recipe. Thank you.